हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा जो है कि प्रश्न नंबर 6 से लेकर के प्रश्न नंबर 12 तक जो है कि इस वीडियो में आपका जो है कवर किया जा रहा है। और इसके जो है कि पहले प्रश्नों में जो है कि 1 से लेकर के 5 तक जो है कि प्रश्नों को कवर किया गया है। और यदि अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये आपका जो है प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 6 से लेकर के हम लोग जो है कि 12 तक के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो ये आपका पहले प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए कैसे हल किया जाएगा। ये कह रहा है कि y बराबर, ये दिया हुआ है कि y बराबर x डॉट साइन x, यानी एक्स वाई डैश इजिकल टू y प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या है वाई स्क्वायर। ये आपको इसको हल करके बताना है कि जो आपका आंसर फाइंड हो रहा है ये आपका आंसर इतना आएगा। यानी कि आपको दिखाना है कि जो ये अवकल समीकरण दिया गया है, दिया हुआ इस अवकल समीकरण का जो है कि हल है कि नहीं है। ये जो आपका हल है टोटल, ये हल आपका हुआ है इस समीकरण का जो है कि हल ये फाइंड हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे ये वाला जो मान है आपका, ये वाला मान आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हल करके देख लेते हैं इसको। ये आपका देखिए वाई है ना, वाई है, वाई बराबर एक्स डॉट साइन एक्स है। तो इसको मान कह लिख लेंगे हम लोग कि एक्स के सापेक्ष करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहां से हो जाएगा वाई, देखिए वाई का अवकलन करते हैं तो डी वाई बटा में डी एक्स होता है, और डी वाई बटा में डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी कहते हैं। तो यहां से आप लोग लगा लीजिए वाई डैश बराबर, ये आपका देखिए प्रथम फलन और ये आपका क्या हो जाएगा द्वितीय फलन। तो फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन और डी एक्स द्वितीय फलन का, द्वितीय फलन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फलन द्वितीय फलन साइन एक्स है, प्रथम फलन एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा और एक साइन में गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है, हम लोग साइन में लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा क्या साइन एक्स, इतना तो। और देखिए आपको साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और साइन एक्स का वैल्यू जो है इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से हम लोग साइन एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो समीकरण 1 से लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से हम लोग यदि साइन एक्स का मान निकालना चाहें तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, ये गुणांक हटेगा तो वाई हो जाएगा, यानी कि वाई बटा में आपका हो जाएगा क्या एक्स, यानी कि साइन एक्स गुणांक साइन एक्स का गुणांक एक्स है तो एक्स का गुणांक यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा वाई बटा में क्या एक्स। तो ये आपका हो गया साइन एक्स का मान आ गया वाई बटा में कितना एक्स। तो यहाँ से आप देखिए वाई डैश बराबर हो जाएगा एक्स डॉट अंडरवुड में 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का मान है वाई बटा में एक्स, घात दो दो है तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में क्या एक्स स्क्वायर, और प्लस फिर साइन एक्स है तो इसका मान क्या हो जाएगा वाई बटा में एक्स। यह हो जाएगा y डैश बराबर x डॉट अंडरवुड में x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, अब पूरे की करणी हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे की करणी है, ध्यान दीजिएगा इसमें ये सब y बटा में क्या x। ठीक है, चलिए तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जो है कि बाहर हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का यदि वर्गमूल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अंडरवुड में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई क्या एक्स प्लस कितना y बटा में x। ठीक है, या x x कट जाएगा, x x तो कट गया, अब ये इसका हर बच गया तो इसके हर से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा y डैश, स्क्वायर नहीं है ये डैश है, y डैश बराबर हो जाएगा इसके हर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अंडरवुड में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस y बटा में कितना x, यहाँ से ये गुणा कर दीजिए यह हो जाएगा, इसे इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा x डॉट y डैश इजिकल टू x, या ये y पहले है तो आप रख सकते हैं y प्लस x अंडरवुड में x स्क्वायर माइनस क्या y स्क्वायर। क्या ये आया या नहीं आया, ये आंसर आ चुका है ना, यानी कि जो दिया हुआ फलन है दिए हुए अवकल समीकरण का क्या है हल है। लिखेंगे यहाँ पर अतः दिया हुआ फलन दिए हुए
अवकल समीकरण का हल है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 7 कैसे हल करेंगे, चलिए मिलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। चलिए ये आपका जो है प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 को कैसे हल करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए जिस तरह से आपका जो है कि प्रश्न नंबर 6 को अभी हल किए हैं, जो आप पढ़े हैं प्रश्न नंबर 6 को जिस तरह से पढ़े हैं, वही प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर 7 में भी चलेगा। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कैसे हल किया जाएगा। ये भी होगा x के सापेक्ष क्या अवकलन, यहां पर लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और देखिए ये प्रथम फलन और ये क्या हो जाएगा द्वितीय फलन, तो फॉर्मूले पे हम लोग तोड़ देते हैं। तो प्रथम फलन x है, द्वितीय फलन का अवकलन यानी कि y है, और y का अवकलन हो जाएगा dx प्लस द्वितीय फलन y, प्रथम फलन का अवकलन यानी कि x का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा, तो एक छोड़ दिया जा रहा है, और log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है, तो x तो 1/x है, तो log y का करेंगे यदि तो log y का हो जाएगा 1/y क्या y हो जाएगा, वास्तव में x नहीं था, तो ये हो जाएगा dy बटा में क्या dx और प्लस c, c आ जाएगा छोटा c। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को यही मान लाना है, जबकि कह रहे नॉट इक्वल टू क्या जीरो, यानी कि x डॉट y यानी x और y का मान कभी जीरो नहीं, वन के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। चलिए यहां से dy वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा x इंटू dy बटा में dx है ना, इसको क्या लिख सकते हैं y डैश लिख सकते हैं, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/y dy बटा में dx क्या लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू, देखिए y इधर प्लस में है, इसे प्लस में है, इधर भरेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा y, सभी में y से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा माइनस से जो है कि सभी में गुणा कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 1/y, क्लियर हो रहा है, और ये हो जाएगा माइनस 1/y हो गया y डैश है ना, तो y डैश प्लस में, देखिए माइनस में है ना तो प्लस गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अब माइनस एक्स वाई डैश बराबर हो जाएगा क्या वाई। चलिए यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, दोनों में y कॉमन है ना, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 1/y माइनस एक्स वाई डैश क्या कॉमन, यानी कि सिर्फ क्या y, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई बटा में क्या y, y डैश बराबर क्या y, फिर एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई y डैश इजकल टू y से y में गुणा करें तो क्या हो जाएगा y डैश, यानी कि y डैश नहीं होगा, y से y में y स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपको हो जाएगा y स्क्वायर बराबर बटा में हो जाएगा, ये गुणांक है y डैश का, ये बटा लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस x और क्या y, ये आपको सत्यापित करना था, सत्यापित हो चुका है, आ गया ना, दिया हुआ जो फलन है, ये जो फलन आपका फाइंड हुआ है इस अवकल समीकरण का, यही एक क्या है हल है, यानी कि जो ये अवकल समीकरण दिया गया है, इस अवकल समीकरण का ये जो फलन आपका फाइंड हुआ है अवकलन करने के बाद, यह एक हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे देखिएगा, ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन दिए गए अवकल समीकरण का दिया हुआ फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 में जो है कि हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, ये प्रश्न नंबर जो है कि प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 को कैसे हल करेंगे, वही प्रोसेस आपका सेम चलेगा, कि कह रहा है कि ये जो आपका वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को यदि फाइंड यदि सॉल्व करते हैं, इस मान को यदि हल करते हैं तो आपका ये मान आपका फाइंड होगा, या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को भी हमको हल करके लाना है क्या राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को हल करके लाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है कि समाक अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद हम लोग मान पुट करेंगे और वही मान इसमें हम लोग रखेंगे, तो आपको लाना है राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाएगा, चलिए वही प्रोसेस इसमें भी हम लोग हल करेंगे, एक्स के सापेक्ष तो अवकलन होगा तो वाई का अवकलन हो जाएगा वाई डैश माइनस कॉस एक्स है ना, ये एक एक्स नहीं है, कॉस वाई है, तो वास्तव में वाई इसको एक्स मानेंगे,
कॉस वाई का अवकलन होता नहीं है, कॉस एक्स का होता है, तो ऐसे हम लोग एक्स इसको मान लेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है वाई। अब देखिए वास्तव में एक्स नहीं था तो वाई का अवकलन क्या हो जाएगा वाई डैश, यानी कि डीवाई बटा में डीएक्स को वाई डैश बोलते हैं, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा वन। ठीक है दोस्तों, चलिए इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, वन प्लस साइन वाई, ठीक है, और डॉट क्या वाई डैश बराबर कितना वन। यहाँ से वाई डैश यदि फाइंड किया जाए तो यह हो जाएगा वन बटा में, इसको क्या हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन वाई, लिख नहीं सकते हैं, ये होगा, ठीक है, क्योंकि वाई डैश का गुणांक है, गुणांक घटेगा तो इसका क्या लग जाएगा बटा, वाई डैश फाइंड हो चुका है। चलिए अब इसी मान से जो ये आपको समीकरण दिया, मान लीजिए इसको समीकरण नंबर क्या एक, इस समीकरण नंबर एक से यदि वाई का मान फाइंड करना चाहें तो वाई बराबर हो जाएगा कास के लिए तो पाछंद कर दीजिए, तो एक्स प्लस हो जाएगा क्या कास वाई, ठीक है। ये मान लीजिए समीकरण नंबर क्या दो, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दो, इसको क्या तीन, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना। चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको पहले हम लोग रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका है y इंटू साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स डॉट क्या वाई डैश, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आपको लाना है राइट हैंड साइड यानी कि r, ये यानी कि y लाना है, तो आपका हो जाएगा ये y डॉट साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स, कॉस वाई प्लस क्या एक्स, दोनों एक ही, एक्स प्लस वाई कॉस वाई बोलिए या कॉस वाई प्लस क्या एक्स बोलिए, ये कितने के बराबर है वाई के, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा वाई इंटू, और वाई डैश का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, हर एक चीज फाइंड कर दिया गया है, अपान ये हो जाएगा वन प्लस साइन वाई, ठीक है। चलिए इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए, वाई कॉमन है दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा साइन वाई प्लस क्या वन बच जाएगा, और इंटू हो जाएगा वन अपान वन प्लस साइन क्या y, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y क्या होगा कट जाएगा, बच गया क्या y, ठीक है, सिर्फ क्या मिला y। क्या लेफ्ट हैंड साइड को हल किया गया है तो राइट हैंड साइड मिला है या नहीं मिला है, यानी कि दिया गया जो फलन है यह अवकल समीकरण का एक क्या है हल है, तो यह आपका दोनों लेफ्ट दोनों साइड जो बराबर हो गई, तो यह हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या साइड, यानी कि लिखेंगे कि दिया गया फलन दिए हुए अवकल समीकरण का एक क्या है हल है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए फ्रेंड ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हल करेंगे वही प्रोसेस इसमें चले इसमें भी चलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में भी। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको भी। ये आपका प्रश्न नंबर 9 है, यानी कि वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, यानी कि जो है आपको समीकरण दिया गया है, आपको हल करके ये बताना है कि जो आपका समीकरण दिया है इस समीकरण का हल आपका फाइंड किया जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर कितना जीरो। चलिए हम लोग हल करके देख लेते हैं, इसमें भी हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, हर एक स्टेप में आपको लिखना पड़ता है, जहाँ भी आप अवकलन करेंगे वहाँ पे हर एक स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा, और जहाँ पर भी त्रिक गुणा करते हैं यानी त्रिक मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक्स का अवकलन आपका क्या होता है वन, प्लस वाई का अवकलन क्या होता है वाई डैश, यानी वाई डैश का मतलब आप समझ गए होंगे कि डी वाई बटा में क्या होता है डी एक्स होता है। चलिए और टेन इनवर्स एक्स, देखिए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स की जगह पर वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वास्तव में एक्स नहीं था एक्स माना गया है तो वाई का हो जाएगा क्या वाई डैश, ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना। चलिए यहाँ से इसके बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे त्रिक गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो इसका हर एक मान लीजिए इससे अच्छा है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा वन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा वाई डैश से एक में गुणा करेंगे तो वाई डैश, यहाँ पर लिखेगा त्रिक गुणा गुणा करने पर, ठीक है, त्रिक गुणा करेंगे तो ये वन प्लस वाई स्क्वायर से वन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब सही है y डैश से यानी वन प्लस वाई स्क्वायर से y डैश में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y डैश और वन प्लस वाई स्क्वायर क्या y डैश, क्योंकि y स्क्वायर से वन में गुणा करें तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y डैश से y स्क्वायर में गुणा करें तो y स्क्वायर y डैश हो जाएगा इजकल टू वन, से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y डैश, देखिए y डैश से y डैश क्या होगा कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा
सजा कर लिख लेते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर कितना, जीरो। क्या आपका जीरो के बराबर आ गया, यानी कि जो आपका वैल्यू फाइंड किया गया, ये जो मान दिया गया था, यानी कि वाई वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर कितना है, जीरो। तो जो आपको सॉल्व किया गया ये मान, टोटल मान वही फाइंड हुआ है, तो लिखेंगे कि दिया हुआ अवकल, दिया गया फलन दिए हुए अवकल समीकरण का क्या है, हल है। तो यही प्रोसेस आपका चल रहा है, चलिए सेम प्रोसेस आपका चलेगा जो है प्रश्न नंबर 10 में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। चलिए दोस्तों, ये आपका जो है कि प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 को कैसे हल करेंगे, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, किसी भी आपको प्रश्नावली का जो है कि हल चाहिए, तो हमें जो है कि हमारे प्ले लिस्ट में आप जरूर जाइएगा, वहाँ पर सही वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। चलिए, इसका जो है कि हम लोग करना है क्या, कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस सेम चलेंगे हम लोग जिस तरह से शेष वीडियो को हम लोग देखे हैं। चलिए, ये आपका दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो y का जो यदि वर्ग किया जाता है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये करणी में है तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का क्या, स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यदि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए विस्तार से हम लोग इसको लेकर चलेंगे, dy बटा में dx, dy y स्क्वायर, और dy बटा में क्या dx a स्क्वायर माइनस dy बटा में dx x का क्या, स्क्वायर। चलिए देखिए कैसे हल होगा, वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर है, वास्तव में यदि x होता तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो x नहीं है, y है, तो y को हम लोग x मानकर करेंगे, तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, क्योंकि पहले घात आएगा 2y हुआ, वास्तव में x नहीं था, x माना गया है तो फिर y हुआ ना, तो फिर dy बटा में क्या dx, सॉरी dy dx इंटू क्या y, देखिए एक बार फिर y का करेंगे, ठीक है, दो स्टेप यहाँ से बढ़ रहा है आपका, और ए स्क्वायर है ना, ए जहाँ पर एक अचर राशि है, अचर राशि का मतलब यह हुआ कि आपका कोई अंक है तो अंकों का अवकलन कितना होता है, जीरो, तो इसका जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए यहाँ से, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या 2x, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, अब यहाँ से इसको हम लोग पछांदर कर देंगे, तो यहाँ पे आइए, यह जो है एक्स स्क्वायर तो हो चुका है, यह 2x है, तो इसको इधर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा, देखिए y है ना, तो 2, देखिए यहाँ से पहले इधर माइनस में है ना, तो इधर पहले डाल दीजिए इसको, 2x हो जाएगा प्लस में, आइए प्लस 2y का, 2y है और y का अवकलन करेंगे तो dy बटा में क्या हो जाएगा dx बराबर कितना, जीरो, क्योंकि ये इधर चला आया तो शेष कितना बच गया, जीरो बचा हुआ है। चलिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई डी वाई बटा में क्या बच जाएगा dx बच जाएगा, इजकल टू कितना, जीरो, ये गुणांक है, दो हटेगा तो इसका बटा लग जाएगा, तो x प्लस वाई डी वाई बटा में कितना हो जाएगा dx बराबर क्या, जीरो। देखिए ये आ गया, यानी कि जो दिया हुआ फलन है दिए हुए अवकल समीकरण का एक क्या है, हल है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आपका कह रहा है कि जो आपका ये दिया हुआ फलन था, क्या इस समीकरण का हल ये था कि नहीं, तो हम लोग सॉल्व किए हैं, तो ये आपका हल मिल रहा है ना, क्योंकि टोटल हल आ गया, यानी कि दिया हुआ जो भी फलन है दिए हुए अवकल समीकरण का एक क्या है, हल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे हल करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे हल करेंगे, इस तरह से हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए, ये आपका जो है कि प्रश्न नंबर 11 है, और आपका प्रश्न नंबर क्या है 12, जो है कि आपके बहुविकल्पी टाइप के हैं, सिर्फ आपको इसमें ये बताएंगे कि आपका क्या है इसमें, ठीक है। चलिए, ये आपका कह रहा है कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर, यानी कि देखिए व्यापक हल पूछ रहा है, व्यापक हल, ये देखिए व्यापक हल की बात करते हैं, तो यदि चार कोटि का कहता है तो व्यापक हल में आपकी जो है टोटल कोटि होगी चार, हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। यदि आपके तीन कोटि का है, उसमें व्यापक हल पूछ रहा है, तो उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। लेकिन इसमें आपका कह रहा है कि चार कोटि वाले किसी व्यापक हल, व्यापक चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, देखिए वह व्यापक हल है, वो पूरा हल नहीं है आपका, वो व्यापक सिर्फ हल है, तो व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अक्षरों की संख्या आपके कितने, चार कोटि का है तो कितना होगा, चार होगा, तीन कोटि का होगा तो तीन होगा, दो कोटि का होगा तो कितना होगा, दो। चलिए, स्टेप नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी,
यानी कितना है, चार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन कोटि वाले श्वेत अचर किसी, तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल, देखिए विशिष्ट हल दिया है, ये टोटल आपका हल कर रहा है, विशिष्ट हल में उपस्थित श्वेत अचरों की संख्या टोटल आपका कितना होगा, जीरो। टोटल कितना होगा, जीरो। तो ये आपका रहा है, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो किस वीडियो में आपको परेशानी हो रही है, उसका जो है सोल्यूशन और जो इजी तरीके से किया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, यदि वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपका अब अगले स्टेप में, यानी कि अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 9.3 कि 9.3 में आपका कैसे प्रोसेस चलेगा। तो दोस्तों 9.3 में हम लोग को वैसे पढ़ने के लिए मिलेगा जो आप अभी तक पढ़े नहीं हैं, वहाँ से जो है कि अचर राशि जो भी आपकी ए बी सी होगी वहाँ से आपको जो है कि वहाँ से विलुप्त किया जाएगा, यानी कि आपको कुछ नहीं है उसमें घबराने की बात नहीं है, सेम यही प्रोसेस आपका चलेगा। सिर्फ आपको ये होगा उसमें कि आपका जैसे मान लीजिए वाई बराबर कोई भी व्यापक रूप दे दिया, ए एक्स प्लस जैसे मान लीजिए बी एक्स स्क्वायर आपका दे दिया, ठीक है। आपको बताया जा रहा है जो है प्रश्नावली 9.3 के बारे में, यदि आपका ऐसे देता है तो इसमें ये पूछता है आपसे अधिकांश तौर से कि ए और बी जो भी आपके अचर राशि हैं, ए और बी राशियों को विलुप्त करते हुए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि जो अवकल समीकरण ये आपका दिया हुआ है, इस अवकल समीकरण में से जो है कि ए और बी के मान को विलुप्त करना है, और विलुप्त करके जो है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि इनका जो है कि अवकलन हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि आपका जो है कि ए और बी के मान जो है कि विलुप्त न हो जाए, कि यहाँ से यानी कि अवकलन हम लोग वहाँ तक करेंगे जहाँ तक जो है कि ए और बी का मान आता रहेगा, जहाँ से ए और बी का मान समाप्त हो जाएगा वहाँ जो है कि आपका अवकलन भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका वही आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। यानी कि अधिकांश तौर से हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है कि आपको हर तरीके से यानी कि हर हाल में आपको जो है कि ए और बी का मान विलुप्त करना है, यानी कि ए और बी के मान को जो है कि अवकलन करके हटाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आपको आपसे मिलेंगे जो है कि प्रश्नावली जो है कि 9.3 में। यदि आप प्रश्नावली 9.3 का जो है कि प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएगा, वहाँ पर सभी वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे।